जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 11वां अध्याय। तो आइए करते हैं अध्याय को प्रारंभ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान, एकादशी का महात्म्य और मूर्तियों का विधान मुझसे कहिए। श्री भगवान कहने लगे कि हे विप्र शार्दुल, मैं एक पापनाशिनी कथा कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से ब्रह्मा हत्या आदि महापाप भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। प्राचीन समय में कांपिल्य नगर में वीरबाहु नामक राजा राज्य करता था। वह राजा सत्यवादी, चित क्रोधी, ब्रह्मचेता और मेरी सेवा में सदैव तत्पर रहता था। यह उत्तम भाव वाला, दयावान, रूपवान, बलवान, भगवत भक्तों का भक्त व मेरी कथा में सदा प्रेम रखता था। कथा में लीन रहने वाला, रात्रि को जागरण करने वाला, विद्वान, दाता, क्षमाशील, पराक्रम वाला, जितेंद्रिय, रण में विजय पाने वाला, रिद्धि में कुबेर के समान, पुत्रवान, अनेक पशुओं को पालन करने वाला और अपनी स्त्री से ही प्रेम में रत करने वाला था। उसकी स्त्री का नाम कांतिमती था। वह रूप में आदित्य, पतिव्रता, महासाध्वी और मेरी भक्ति में सदा रत रहती थी। वह विशाल नेत्र वाला युवा राजा अपनी स्त्री के साथ पृथ्वी का पालन करता था। मेरे सिवाय और किसी देवता को नहीं जानता था। हे पुत्र, एक दिन उस महात्मा वीरबाहु राजा के घर महामुनि भारद्वाज आए। राजा ने मुनि को दूर से आते हुए देखकर उनका स्वागत किया और विधिवत उनको अर्घ्य आदि अर्पण किया और अपने हाथ से आसन बिछाकर उनको बिठाया और परम भक्ति से मुनि श्रेष्ठ के सामने बैठ गया। राजा कहने लगा कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, राज्य का होना और मेरा ग्रह भी सफल हुआ था। विप्र श्री भगवान मेरे पर प्रसन्न हैं जो कि आप योगी श्रेष्ठ मेरे घर आए। आज आपकी दृष्टि पड़ने से मेरे करोड़ों पाप नाश हो गए। मेरा राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, ये सब आपको अर्पण है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, आपके लिए मेरे पास कोई वस्तु भी अदय नहीं है, क्योंकि वैष्णव को एक कौड़ी भी दी हुई मेरु पर्वत के समान फल देने वाली होती है। जिसके घर में जिस दिन द्विज श्रेष्ठ वैष्णव नहीं आते हैं, उसका वह दिन निष्फल चला जाता है, ऐसा मैंने सुना है। गार्ग्य, गौतम, सुमंतु जैसे विष्णु भक्त तथा जो द्विजाति के ब्राह्मण हैं, सभी ने मुझसे ऐसा कहा है। जो भगवान के भक्त नहीं है वह पिशाच के समान है, तथा जो मनुष्य हरि दिन यानी एकादशी को भोजन करते हैं वह महापात की है। हजार शिव व्रत और कोटि सूर्य व्रत तथा ब्रह्मा के व्रत से कवियों ने जो फल कहा है वह हरिवासर यानी एकादशी के एक व्रत से हो जाता है। हे विपेंद्र, जब तक मेरी द्वादशी यानी एकादशी तिथि नहीं आती, तभी तक ब्राह्मी और शंकरी तिथि गर्व करती है। हे विपेंद्र, जैसे जब तक चंद्रोदय नहीं होता तभी तक तारंगणों का प्रकाश रहता है, उसी तरह और तिथियों का तभी तक प्रभाव रहता है जब तक मेरी द्वादशी तिथि नहीं आती है। हे महामुनि, यही बात मुझसे नारद जी ने और वशिष्ठ मुनि ने कही है। आप भी समस्त वैष्णव धर्म के ज्ञाता हैं। भारद्वाज कहने लगे कि हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं। है प्रजा और पृथ्वी धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। वन में तथा तीर्थ में जाकर वास करना अच्छा है, परंतु जिस देश का राजा वैष्णव न हो उस देश में नहीं रहना चाहिए। जिस पृथ्वी का भगवत भक्त राजा पालन करता है उस राष्ट्र को पाप रहित और पेखुंड के तुल्य मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन देह, पतिहीन स्त्रिया, दशमी विद्या एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र भी व्यर्थ है। माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दशमी युक्त द्वादशी व्यर्थ है।
वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा रस बेचने वाला ब्राह्मण दशमी एकादशी व्यर्थ है, जैसे दांतहीन हाथी पक्षहीन पक्षी और दशमी विद्या एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णवहीन एकादशी व्यर्थ है। जैसे दान के लिए वेद का पढ़ना, द्रव्य के लिए पुण्य कर्मों का करना, कुशा रहित संध्या दक्षिणा रहित श्राद्ध, शिखाधारी और कपिला गौ के दूध पीने वाला शूद्र, ब्राह्मणी गामी शूद्र, स्वर्ण की चोरी करने वाला, जैसे हरि वृक्ष सूर्य वृक्ष आदि को काटने वाला, मंत्र रहित आहूति, मृत बछड़े की गौ का दूध, केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, दशमी एकादशी दूषित है, वैसे बिना वैष्णव राजा के राज्य भी दूषित है। जो राजा मधुसूदन भगवान का भक्त है उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं। उसी का राज्य नित्य बढ़ता रहता है और प्रजा के साथ वह स्वयं भी सुखी रहता है। हे राजन, आज आपने मुझे देखा, अतः मेरी दृष्टि सफल हो गई। आज मेरी वाणी आपके साथ भाषण करने से सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना हो वहाँ दूर रहने पर भी जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों के दर्शन करने से तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा है। सो हे राजन, आपका कल्याण हो, आप सुखी हो। इसी समय रानी कांतिमती ने आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने आशीर्वाद दिया कि वरारोहे तुम सौभाग्यवती हो और अपने पति की भक्तिहीन हो और केशव भगवान में तुम्हारी निश्चल भक्ति हो। इसके पश्चात राजा वीरवाहु मुनि को प्रसन्न करता हुआ मेघ के समान गंभीर वचन कहने लगा कि मुनि श्रेष्ठ, मैंने पहले जन्म में कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया, यह शत्रु रहित राज्य कैसे मिला, विपुल लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई, गुणवान श्रेष्ठ पुत्र और सुंदर मनोहर प्रिया स्त्री कैसे मिली, जो कि मुझ में चित लगाने वाली और मुझ में प्राण रखने वाली जनार्दन भगवान का ध्यान करने वाली है। मैं कौन हूँ और यह मेरी स्त्री कैसे हुई, मैंने ऐसा कौन सा दुर्लभ धर्म का कार्य किया तथा किस पुण्य के प्रभाव से अनंत लक्ष्मी मुझको प्राप्त हुई। समस्त देशों के राजा मेरे वश में हैं। मेरा पराक्रम और आरोग्यता कभी नष्ट होने वाली प्रतीत नहीं होती। मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता। मेरी स्त्री दोष रहित है, इसकी मैं प्रतिज्ञा करके कह सकता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कर्म किया था। इस प्रकार राजा वीरबाहु ने मुनि भारद्वाज से प्रश्न किया और अपना तथा अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्मों को, जिससे उसके अतुल लक्ष्मी प्राप्त हुई, पूछा। भारद्वाज मुनि कुछ काल में योग बल द्वारा उनके पूर्व जन्मों के उपराजित कर्मों का निश्चय करके राजा से कहने लगा कि हे राजन, मुझको योग बल द्वारा तुम्हारे और तुम्हारी स्त्री के पूर्व जन्म में उपराजित कर्मों का ज्ञान हो गया है। तुम एकाग्र चित से सुनो। पूर्व जन्म में तुम शूद्र जाति में जन्मे थे और तुम सदैव जीव हिंसा में रत रहते थे। नास्तिक दुष्ट चरित्र परस्त्रीगामी कृतघ्न सदाचार से रहित थे और आपकी स्त्री पूर्व जन्म में भी आपकी ही स्त्री थी। इस विशाल नेत्र वाली को मन वचन और कर्म से आपके सिवाय और कोई दूसरा प्रिय नहीं था। यह पतिव्रता निरंतर आपकी सेवा किया करती थी। आपके विषय में इसने कभी दुष्ट भाव नहीं किया। इस प्रकार समय व्यतीत होने पर आपके मित्रों और भाई बंधुओं सब ने आपको त्याग कर दिया और आपके पूर्वजों का संचित किया। सब धन भी नष्ट हो गया तो आपने खेती बाड़ी का काम आरंभ किया, परंतु पूर्व जन्म के कर्म फल से सब खेती बाड़ी भी खत्म हो गई। सब धन के नष्ट हो जाने
और भाई बंधुओं से त्यागे जाने पर इस अत्यंत क्षीण अवस्था में भी इस पतिव्रता ने आपको नहीं त्यागा। तुम सब कर्मों से गिरकर निर्जन वन में चले गए और वहां पर जीवों को वध करके आत्मरक्षा करने लगे। इस प्रकार अपनी स्त्री के साथ तुम्हारे पाप वृत्ति करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक समय दिशा विदिशा को भूलकर एक देव शर्मा नाम वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आ निकला। भूख और प्यास से दुखित होकर मध्य आने के समय वह ब्राह्मण उस वन में गिर गया। उस दुखी वृद्ध ब्राह्मण को देखकर आपके मन में दया आई और अज्ञातवश पृथ्वी पर गिरे हुए उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर आपने कहा कि हे विप्र, कृपा करके आप मेरे आश्रम को आइए। यह मनोहर फल पुष्पों से युक्त वृक्षों वाला आश्रम और कमलिनी खंड से शोभित जल से पूर्ण सरोवर है। हे ब्राह्मण, शीतल जल में स्नान कर नित्य नियम करके फलाहार करें, शीतल जल का पान करें। हे द्विज श्रेष्ठ, उठिए, आप मुझ पर कृपा करने योग्य हैं और जीवन पर्यंत मेरे आश्रम में रहें। इस प्रकार होश आने पर तुम्हारे शूद्र के वचनों को सुनकर तुम्हारा हाथ पकड़कर वह ब्राह्मण जलाशय के पास गया और उस सरोवर के किनारे छाया में बैठ गया। विधि पूर्वक स्नान आदि करके भगवान का पूजन तथा देवता और पितरों का तर्पण किया और सुंदर शीतल जल पिया। उस वृक्ष के मूल भाग में बैठकर उस देव शर्मा ने विश्राम किया। इसके पश्चात स्त्री सहित उस शूद्र ने परम भक्ति से मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके समीप बैठकर कहने लगा कि हे विप्रश्री, हम दोनों स्त्री पुरुषों के उद्धार के लिए अतिथि रूप में आपका आगमन हुआ। आपके दर्शन मात्र से मेरे पापों का नाश हो गया। फिर अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, इनके लिए सुंदर स्वादिष्ट कोमल रस युक्त परिपक्व प्रिय फल लाओ। तब उस ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्र, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम अपनी जाति बतलाओ, क्योंकि ब्राह्मण को चाहिए कि अज्ञात का भोजन न करे। शूद्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं शूद्र हूँ, आप संदेह न करें। मैं दुर्जन आत्मज और भाई बंधुओं से परित्याग किया गया हूँ। इस प्रकार दोनों के बीच बात जारी रही। तभी शूद्र की पत्नी ने फल लाकर ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण ने उन फलों को रख लिया, सुंदर शीतल जल पीकर विप्र प्रसन्न हो गया। वृक्ष के मूल भाग में बैठने से उसकी सब थकान दूर हो गई। शूद्र स्त्री सहित भोजन करके उनके पास आकर कहने लगा कि हे विप्र, आपका स्वागत हो, यहाँ आपका आना कैसे हुआ? यह शून्य वन दुष्ट जीवों से व्याप्त, मनुष्य रहित, दुख युक्त रात दिन भयानक है। ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा था, मार्ग का ज्ञान न होने से इस दरुण वन में आ निकला। मेरे पुण्य के प्रभाव से तुम जैसा श्रेष्ठ बंधु मुझे मिला, तुमने मुझको जीवन दान दिया, कहिए मैं आपका क्या उपकार करूं? इस निर्जन वन में आपका आना कहां से हुआ? आप कौन हैं और यहां आने का कारण मुझसे कहिए। शूद्र कहने लगा कि हे विपेंद्र, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नाम नगरी है, उस महाराष्ट्र देश में मेरा वास है। मैं जाति का शूद्र और महापापी हूँ। मैंने अपने धर्म को त्याग दिया, सबसे त्यागा जाकर मैं इस वन में चला आया। नित्य ही जीवों का वध करके अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता रहा। मैं इस समय में पापों से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ। मेरे पुण्य प्रभाव से आप यहाँ आ गए हैं। आप मुझे अपने उपदेश से कृतार्थ करें। आपके उपदेश से स्त्री सहित यमराज को न देख सकूं, जनार्दन भगवान के सिवाय मैं और कुछ नहीं चाहता। आप मुझ पर कृपा करें। भारद्वाज ऋषि ने राजा वीरबाहु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण से कहा
देव शर्मा हंसते हुए शूद्र से यह वचन बोले। तो दोस्तों ये था मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 11वां अध्याय। आगे के और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।